हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है एमएनआईटी में जो एक नया ब्लॉक के साथ हम लोग आ गए हैं। अभी हमारा जो कॉलेज है उसमें जो एक बहुत बड़ा क्रिकेट का प्रीमियर लीग चल रहा है, वो है एमपीएल मास्टर प्रीमियर लीग। एज यू ऑल नो कि ये एमपीएल मास्टर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मास्टर्स के स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। और ये अभी नई नई फील्ड बनाई गई है स्पेशली इसी टूर्नामेंट के लिए। आज सुबह ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, दो मैच हुए हैं और फील्ड काफ़ी अच्छा खेल रही है। आउटफील्ड भी आप सब देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, बॉल काफ़ी अच्छे तेज निकल रही है बाउंड्री पर। और इस टूर्नामेंट का काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है, ये लेट बैक इन 2014 ये स्टार्ट हुआ था, जब हम नए नए आए थे मास्टर्स में, तब से हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है एंड मेनली एमटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। पिच के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब कैसा बॉल का क्या चल रहा है? काफ़ी अच्छा खेल रहा है। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा ड्यू था, उस वजह से आउटफील्ड थोड़ी स्लो थी, बॉल में भी थोड़ी सीम हो रही थी, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सूख गई है, घास थोड़ी सूख गई है, तो काफ़ी अच्छा बाउंस है और बॉल बिल्कुल इवनली आ रही है। बैट्समैन के लिए काफ़ी स्कोरिंग पिच है, तो जितना बैट्समैन इसको यूटिलाइज कर सके उतना अच्छा है उनके लिए। काफ़ी जज्बा है लोगों में खेलने के लिए, काफ़ी उत्साहित है। चारों ओर देखिए काफ़ी जनता भी आई है देखने के लिए, काफ़ी जोश दिख रहा है और बढ़िया मौसम भी अच्छा है। कितना टीम पार्टिसिपेट किया हुआ? 16 टीमें पार्टिसिपेट की हुई है, चार ग्रुप है, चार चार टीमें बटी हुई हैं ग्रुप में। और ये जो मैच स्टार्ट होने वाला है वो तीसरा मैच है। ये अपना एक नया सर पूरा एकदम टोपी भी लगा के, जो एकदम गिलक्रिस्ट वगैरह ऑस्ट्रेलिया लोग पहनते हैं ना, पूरा अपना सा मंगवा लिया बाहर से। तो सर बताइए इस बॉल से, थोड़ा बॉल के बारे में बताइए, आप क्रिकेट का जो मैच किस बॉल से खेला जाएगा और उसका थोड़ा खूबियत बताइए। ये डे नाइट बॉल है। अच्छा, इसमें से सारे मैच ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। जो हमारे लीग मैच है वो 10-10 ओवर के हैं और जो हमारे पास नॉकआउट मैच होंगे वो 12-12 ओवर के होंगे। अच्छा, थोड़ा बॉल का दिखा दीजिए, बॉल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बॉल ये डे नाइट बॉल है, जी 22 हाँ। जो आपको दिख रही होगी हाँ। इसमें से सारे बॉल, इसी बॉल से सारे मैच हो रहे हैं। अभी जो मैच शुरू होगा उसका जो अभी सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एमआई 11 का मैच होगा, अभी टॉस होगा। सबसे पहले अंपायर सब रेडी हो गया टॉस के लिए। जो अंपायर सर है, ये हमारा अभय सर अंपायर है और ये सर अंपायर है। टेल आया है, मैकेनिकल जो है टॉस जीता है, क्या लेना चाहेंगे? हम लोग फील्डिंग लेना चाहेंगे। क्यों आप ये फील्डिंग लिया है? पिच के अकॉर्डिंग भी हम लोग ने डिसाइड किया है कि अच्छा। क्या प्लान हम लोग का पहले था, स्ट्रेटजी हम लोग का यही थी कि हम प्रीवियस मैचेस देख रहे हैं तो उसमें ज्यादा स्कोर नहीं होगा, तो उस कारण से हमारी टीम कंफर्टेबल है चेस करने। ओवरऑल फर्स्ट मैच है तो सबसे पहले पिच को जानना जरूरी है, इसलिए फील्डिंग करेंगे पहले। अच्छा, ये स्ट्रेटजी रखे और तैयारी है ना सर आप लोग का? पूरा तैयारी जीत के। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is. अभी ये सर से जो थोड़ा पिच के बारे में लेंगे, जहाँ पे सर पिच के बारे में, can you if you explain something, थोड़ा बता दीजिए। अभी तक तीन मैच खेले गए हैं इस पिच पे। सुबह का मैच ड्यू था तो गेंद स्किड करके आ रही थी। अगर आप पिच की तरफ दिखाइए, अगर आप पिच देखें तो ये काफी ड्राई हो चुकी है। अच्छा, इसमें जो ग्रास है उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। पिच में हार्डनेस है तो गेंद के बाउंस होने का ज्यादा चांस है, रन यहाँ काफी बनेंगे। देखते हैं टीमें कितना स्कोर। अच्छा, सर बोल रहे हैं कि जो बैट्समैन है हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा एनालिसिस है सर आपका। अब सर आपका सर कुछ एनालिसिस मैच के, मतलब पिच सर ने जो कह दिया। अच्छा सर, सिविल का टीम क्या कर सकते हैं बैटिंग में? काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टीम को, बैटिंग करने का मौका मिला है और होपफुली काफी बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाएंगे और मैच जीतेंगे। और आप लोग मतलब हारने से पहले स्ट्रेटेजी क्या था, बैटिंग का था या बॉलिंग का था? हमने भी सोचा था पहले फील्डिंग किया जाएगा और देखा जाएगा अपोनेंट टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ कैसी है। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए टॉस, बट इट हार्डली मैटर्स। वी हैव अ क्वाइट बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द ओपनिंग टू द 7-8 बैटर्स। वी हैव एक्सपीरियंस्ड बैटर्स इन आवर बैटिंग लाइनअप इंक्लूडिंग मी, एंड वी विल होप दैट वी विल पुट अ डिसेंट टारगेट ऑन द स्कोर बोर्ड। If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Umpire sir, क्या strategy है सर? Strategy इन दोनों fair fair strategy है। दोनों की teams को best of luck। हाँ वही। दोनों एक अच्छा cricket खेल के दिखाएं हमको। आप लोग समझ रहे हैं? Let's start the game। और अबे सर आप मतलब क्या strategy लेके आए umpiring करने के लिए?
अंपायरिंग के लिए स्ट्रेटेजी जो है ईमानदार रहेंगे और थोड़ा वो फेवर नहीं करेंगे यहाँ स्पिनिंग बैट्समैन पूरा तैयारी के साथ Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? आग लगा देंगे बहुत एक्साइटेड है हम लोग और जीतने वाली है सिविल जीतेगी टूर्नामेंट और बाकी सब प्लेयर का जोश जोश एकदम हाई है सबसे बेस्ट टीम है सिविल की सिविल अच्छा तो मैथ 11 को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का टीम से भी खेल रहे हो तो आज स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आए हो गजब है तुम भी हो क्या तुम चारों हो चारों कबीर सिंह नहीं है क्या कबीर सिंह वीडियो में आके अच्छा लग रहा है सर और तुमको बहुत अच्छा लग रहा है टिकट का पैसा वसूल हो गया सर आज की हाँ? टिकट का पैसा वसूल का पैसा वसूल हो गया बहुत लाइन लगकर टिकट लिए टिकट मिला सर पिच बहुत अच्छी खेल रही है पिच अनइवन कोई बाउंस नहीं है ओके विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है यहाँ एक मैच ऐसा हुआ जिसमें हाई स्कोरिंग हुआ है पहला मैच और बाकी ऐसे एवरेज रन बन रहे हैं 68 अभी इससे पहले जो मैच हुआ था 68 रन बने थे ये कितना जोश भरा हुआ है Where a void is forming and they're scared I walk a straight path Not many can say that I'd like to play fast Cross me and there's payback You better pray that Media person ko mil gaya achanak suddenly dikh gaya तो कैसा लग रहा है मैच में वीडियो बना के सबसे पहले मैं गोविंदा देवनाथ ब्लॉक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी एमपीएल शुरू है मास्टर प्रीमियर लीग एमएनआईटी स्पॉन्सर कर रहा है इसका भरपूर मजा लें और काफी कड़ी परिश्रम के साथ मीडिया पर्सन को काफी धूप है और सुबह से हर एक एंगल को हर एक साइड से हर एक कैप्टन से पिच का मुआयना हर चीज दिखाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं मीडिया पर्सन तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों से पूरा मैच का मजा लें फर्स्ट डे से लेकर अंत तक मेरे चैनल का नाम है खेल मन का और मैं चाहूंगा कि हमारे भी दर्शक जो है खेल मन को भी उतना प्यार दें जितना गोविंदा देवनाथ ब्लॉक को दे रहे हैं उम्मीद करता हूं कि अपना अवसर आ गया जो सबको सपोर्ट करता है पूरा हम सबको ये देखिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के करता नहीं जो है टीम के कैप्टन है हमारे साथ जो कि ये भी ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं काफी बारीकी से भांप रहे हैं जिससे एनालिसिस कर सकें कि अपनी टीम के प्लेयरों को बता सकें कि किस टाइप की पिच टर्न ले रही है बॉलिंग अच्छी कर मतलब बॉलिंग किस टाइप की करनी है बैटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कितना टारगेट हम देंगे कि सामने वाले बना पाएंगे या हम कितना चेस कर सकते हैं या डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी सर आपको क्या लग रहा है कि इस पिच पे कितना रन जो पहली बल्लेबाजी करेगी उतना बनाना सही होगा कम से कम 100 रन I don't see your face at any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gon' make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your... तो इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ तो आप लोग अगर अच्छा लगे जरूर एक लाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा आप लोग पूरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सो काइंडली सब्सक्राइब एंड दोस्तों को भी शेयर करिएगा थैंक यू बाय बाय